धान इस धानबाद जिला के किसान अकेला नहीं, राज्य के किसानों को खेती करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। यह कोयला का भंडार है, कोलान क्षेत्र में आयरन और लोहा पत्थर का भंडार है, झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का आभार, बहुत ज़्यादा खनिज संपदा है। ये जो सिंदरी में जो प्रोडक्शन होगा, यदि सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था ये भी जरूरी है, तभी जाके किसान इस यूरिया को इसको उपयोग कर सकता है। आधुनिक युग प्रवेश कर चुका है और हम भी आज आधुनिक पद्धति का अपनाने में पीछे है। सिद्धू कानू पवित्र धरती पर धनबाद जिला झारखंड क्षेत्र में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर हाउस प्लान उद्घाटन समारोह में उपस्थित, आज आप सबों को हमारे ओर से जोहार। आज इस प्लांट से धनबाद जिला के किसान अकेला नहीं, राज्य के किसानों को खेती करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। क्या रहा यहाँ पर खाद या यूरिया जो प्रोडक्शन होगा वो कृषक से बड़ा संबंध है, और आज का युग आधुनिक युग में हमको खेत खलिहान में हमको काम करना है, अच्छा उपजाव भी करना है। और ये अच्छा उपजाव होने से बहुत सा बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़ते हैं, और छोटे बड़े किसान को भी आज का जो कृषि का जो नया पद्धति को अपनाने से उसका छोटे बड़े किसान का भी अच्छा उपजाव होगा, क्योंकि इस क्षेत्र कोयलांचल भी है और इस राज्य में छोटे बड़े किसान भी है। यहाँ का अलग ही भौगोलिक है, झारखंड प्रदेश में यह कोयला का भंडार है, कोलान क्षेत्र में आयरन और लोहा पत्थर का भंडार है, झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का आभार, बहुत ज़्यादा खनिज संपदा है। लेकिन उसी तरह खेत खलिहान भी बहुत ज़्यादा है, छोटे बड़े किसान भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हर तरह से आज हम सबको झारखंड को संवारना है। ये झारखंड क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और आज़ादों के 75 साल भी हुआ है। यहाँ का कृषक आज कृत्रिम की व्यवस्था की जरूरत है, नहीं तो ये जो हमारा ये जो सिंदरी में जो प्रोडक्शन होगा, यदि सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था ये भी जरूरी है, तभी जाके किसान इस यूरिया को इसको उपयोग कर सकता है। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, आज इस झारखंड प्रदेश में जो हम सब उनका प्रधानमंत्री आज यहाँ आगमन हुआ है। अब बहुत सारी बात हम लोग को बताएंगे, लेकिन हमारा मजदूर साथी आप भी कहीं किसान का बेटा हो गया, आज मजदूर का परिचय है, कोई अवस्थाएं भी मजदूर है कोयलांचल में अलग ही वहाँ पर। इसीलिए बड़ा सारा चीज को हम लोग इस झारखंड जिस जगह में है, यहाँ का आदिवासी हो, यहाँ का मूलवासी हो और यहाँ का असंगठित मजदूर हो, ये सारा चीज हम लोग को आज इस झारखंड के धरती में जिस तरह किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था और मजदूर और असंगठित मजदूर को स्थायी रूप से उनको काम मिलने का बड़ा चुनौती है। इसलिए आज का दिन है, बड़ो गौरव हम समझते हैं कि आज हम देश के प्रधानमंत्री के मानसवर हम भी आज आप सब उनको बीच में कुछ बोलने का हमको आज मौका मिला। हम इसीलिए आज जो सिंदरी का प्लांट उद्घाटन, इसका प्रोडक्शन हो और उस पूरा झारखंड क्षेत्र में छोटे बड़े किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ इस सिंदरी प्लांट का जो यहाँ प्रोडक्शन है यूरिया खेती के लिए अच्छा फसल उपजाऊ करने के लिए, ताकि यहाँ का किसान भी अपना पैर से खड़ा हो सके, अपना अच्छा संसार चला सके। इसलिए आज बड़ा खुशी है कि आज इसको बृहत रूप से सिंदरी प्लांट को आज को बढ़ाया गया है। तो इस यहाँ से किसान को
उनका खेती पर इस अच्छा उपजाओ और इस प्रदेश में किसान भी एक अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो आज विशेष करके हम इस झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बहुत ये भी हम लोग को आगे बढ़ना है। आधुनिक युग प्रवेश कर चुका है और हम भी आज आधुनिक पद्धति का अपनाने में पीछे है। हम आशा उम्मीद करेंगे कि हम सब आज के युग के साथ चले, हम लोग चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, और हम लोग अपना शिक्षा को बढ़ावा दे के झारखंड को संवारेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कह के आज झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू धरती पर आए हुए हमारा देश का हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम उनको आशा करेंगे, उम्मीद भी रखेंगे कि आज झारखंड को सारने का सहयोग के साथ और आज का जो इस प्लान उद्घाटन में यहाँ का मजदूर यहाँ का स्थायी मजदूर आप भी अपना कर्तव्य निभाएंगे और हमारा आज का आगमन को लेकर हमारा माननीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए अपना विचार को समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड, जय भारत।